अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे हेड सुलेमान की सैर और इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते चलें कि इसकी लोकेशन क्या है। जो इसकी लोकेशन है, डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा है और तहसील दपालपुर है, ठीक हो गया। और हम आप जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रास्ते के मनाजर हैं। यस, आपको पानी नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हेड सुलेमान का मतलब कि एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये पानी जो इजाफी है वो बाहर निकला हुआ वहाँ से। और अब इसकी इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं, ये कैसे बना, इसका मेन मकसद क्या है बनाने का। इसका मेन जो मकसद बनाने का है कि एक तो सैलाब वगैरह आते हैं उसको कंट्रोल करना। सेकंड ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो पास के इलाके हैं पंजाब, आप समझते हैं कि ज़रई ज़मीन इनकी, इन्हें पानी फराहम करने के लिए इसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। नहरी पानी फराहम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आप ये देख रहे हैं कि साफ साफ एरिया को, यहाँ पे पाक आर्मी इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। सबसे मेन वजह पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है यहाँ पे। और आप जगह ये नज़र सामने आ रही है, बैच का निशान बना है यहाँ पे। जनरल हरीश शहीद ने भी कई बार दौरा कर चुके हैं और परवेज मुशर्रफ भी यहाँ पे दौरा कर चुके हैं, ठीक। सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि लोग कहते हैं जी हेड सुलेमान की, हेड सुलेमान की, हालांकि इसका ये असल नेम ये नहीं, जो ऑफिशियल नेम इसका है, ठीक हो गया। ऑफिशियल नेम इसका और है, वो सुलेमान की हेड वर्क है, इसका ऑफिशियल नेम है। ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी के फासले पर है। इससे आगे जाके इंडिया का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो गया। और वहाँ से आगे साथ नहरें वगैरह निकलती हैं और डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की मशहूर नहर दिलू वाली नहर जिसे कहते हैं, वो भी इसी जगह से निकलती है। और ये आप देख सकते हैं कि हेड सुलेमान का एरिया स्टार्ट हो चुका है। ये आपको पानी नज़र आ रहा है सब, ये हेड से मतलब जब इजाफी पानी होता है वो साइड के इलाके के अंदर ये यहाँ पे आ गया है, ठीक हो गया। और उसके बाद इसकी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पाक इंडिया का बॉर्डर है। और इसके ये बना कैसे हेड सुलेमान, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये 1922 और 1927 के दरमियान बना है। जो नवाब बहावलपुर हैं उन्होंने और ब्रिटिश हुकूमत ने मिल के इसे बनाया था, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, ये दिलवारी नहर है, पाक डिस्ट्रिक्ट पाकपतन तहसील आरावाला से गुजरती है, ठीक है। ये यहाँ से नहर निकल रही है, यहाँ से हेड सुलेमान की से, ठीक हो गया। और ये आप एरिया देखें, इंजॉय करें, ये हेड सुलेमान की का एरिया स्टार्ट हो गया है। ये बहुत वसी है, बहुत फैला हुआ है। लेफ्ट हैंड से जो चीज़ आ रही है वो हेड सुलेमान की गिना जाता है। राइट साइड पर आप चले जाएँ, वहाँ पर दरिया सतलुज है जो कि मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ जाता है। ये हेड सुलेमान का सारा एरिया स्टार्ट हो, आप इंजॉय करें थोड़ी देर से। आप इससे तकरीबन ओनली और 2 किलोमीटर के फासले पे आपको सामने नज़र आ रहा है, ये इंडिया का बॉर्डर है, पाक इंडिया बॉर्डर है। यहाँ पे साफ है, परेड वगैरह भी होती है, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना वसी है, इतना बड़ा ही है कि सोच है इंसान की। तकरीबन इसका काफ़ी लंबा पुल है, इसका मुझे किलोमीटर वगैरह तो नहीं पता कितने हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट लगते हैं यहाँ से ना। यहाँ पे किसी को खड़ा नहीं होने दिया जाता ऊपर, आर्मी की तरह सख्ती से मना है। आप सिर्फ ऑनलाइन यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, स्टैंड नहीं यहाँ पे हो सकते आप।
ये यहाँ पे बहुत की इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ की। ये आपको सामने नज़र आ रही सड़क, ये पाक इंडिया बॉर्डर की तरफ यहाँ जाती है, यहाँ पे परेड वगैरह होती है। ठीक हो गया, यहाँ पे स्टैंड खड़ा नहीं होने तो बहुत मुश्किल से यहाँ से खड़ा होने देते हैं आर्मी वगैरह। और ये आप फिर सीन देख सकते हैं कितना प्यारा मंज़र है। और ये दो कनाल्स हैं निकल रही हैं, ठीक। एक कनाल फर्स्ट ऑफ ऑल निकली है वो दिलू वाली पाकपतन है, ये दो नहरें और निकल रही हैं। ठीक हो गया, ये एक साथ का कनाल है और फॉरवर्ड फॉरवर्ड कनाल है, इस तरह का कोई नेम है। और ये दो कनाले जा रही हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छा सीन बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ वहाँ से ट्रेन गुजरती थी किसी दौर के अंदर। और ये आप देख सकते हैं क्या सुलेमान की हेडवर्क्स की डिटेल लिखी हुई है, फोर्डवर कनाल, पाकपतन कनाल। ठीक हो गया, ये आप ग्राफ शो हो रहा है आपको डिस्चार्ज, मतलब जब सैलाब आया है कब यहाँ पर कितने देर में कितना पानी। आप जब लाजमी विज़िट करें इसे, अब लाजमी देख के आएँ, ये आपको बता रहा है। वो देखें 49 क्यूसिक पानी यहाँ पर आया हुआ है, सब डिटेल आपको दे रहा है। ये हर साल की डिटेल यहाँ पर लिखी जाती है, हर साल कितना पानी यहाँ पे आया है। और ये आपको सामने जो नज़र आ रही है वो गाड़ियाँ आ रही हैं, वो पाक इंडिया बॉर्डर की तरफ से कार्स आ रही हैं। ठीक हो गया, इस वक्त उन्होंने बंद किया, उन्हें तो वहाँ भी आपको विज़िट करवाते हैं, वहाँ भी जाने नहीं देते हैं वो। और ये सबसे मशहूर फल है यहाँ पर हैट सुलेमान का, जो कि आप देख सकते हैं शक्ल, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहा हूँ, पहले मैंने कभी नहीं देखा ये वाला फल। और ये आप देख सकते हैं कि दिलू वाली नहर है, आपको पहले ही मैंने बताया निकल रही थी वहाँ से, जो ये दो दो नहरें जा रही हैं आगे पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर के साथ से रहती हैं। ये जिस जगह पे आपको ये पट्टी नज़र आ रही होगी, यहाँ से ट्रेन गुजरती थी किसी दौर के अंदर। और अब हम आपको दिखाते हैं जो इनका छोटा सा पार्क बना हुआ है, हैट सुलेमान का पार्क, जो कि बहुत ही आला किस्म का बनाया हुआ है। ये दिलू वाली नहर पाकपतन कनाल, वहाँ पर आपको बोर्ड पर लिखा नज़र आता है आया था, ये वो नहर है। ठीक हो गया, ये नहर जा रही है जो कि पाकपतन आरब वाला इस इलाके को जाके ये सराब करती है, नहरी पानी फराम करती है, इससे आगे बहुत सी नहरें निकलती हैं। ये बहुत ही गहरी नहर है जो कि हैट सुलेमान की से निकलती है। और अब आपको आगे जू जाके इनका पार्क का विज़िट करवाते हैं। और आप देख सकते हैं कि टिकट क्या है यहाँ के अंदर हैट सुलेमान का। और ये इनका पार्क आ गया है जो आप देख सकते हैं, अंदर सरसब्स है सारा पार्क, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए दोस्त इंजॉयमेंट कर रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि यहाँ पे झूले ले रहे हैं। मोस्ट फनी थिंग इन वीडियो दिस, मौलाना साहब भी इंजॉयमेंट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए आप कैसे झूले ले रहे हैं मौलाना साहब। थोड़े से जानवर भी यहाँ पे रखे हुए हैं इन्होंने ज़ू के अंदर, जो मुकम्मल इनकी रहनुमाई मतलब गाइडेंस इनको कुछ नहीं है कि किस तरह जानवर को संभालना है। जानवर इसी तरह रुलते फिरे हैं यहाँ पे बिल्कुल ही। ये आप देख सकते हैं गायें खड़ी बिल्कुल, ये बंदर भी यहाँ पे एक रखा हुआ उन्होंने, जो कि एक बार तो मुझे काटने को बाहर आया था, लेकिन आगे जंगला था बच गया हम।